अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं शक्शुका, जो अरबी भुर्जी जिसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है इंडियन तड़का लगेगा, तो आप लोग भी देख लेना कि क्या इंडियन तड़का लगने वाला है। और इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये चॉप किए हुए है प्याज है, ये टमाटर, कोदमी ली है थोड़ी सी, और मिर्ची जो इस तरीके से चॉप कर लिया है। और यहाँ पे नूडल्स है, ये ऑप्शनल है। और ये जो है तीन अंडे हैं जो इस तरीके से फेंट लिए हैं, एकदम अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तेल जो है गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम डालेंगे नमक, ताकि प्याज अगर जल भी जाए तो इसकी जली हुई स्मेल हमारे खाने में नहीं आए। तो आप लोग भी यही मेथड यूज़ करना, ये एक टिप है। तो अगर आप लोग को कभी इन केस प्याज जल भी जाता है तो उसमें जली हुई स्मेल नहीं आएगी। हालांकि इसमें हम लोग को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज, ज़्यादा क्या सिर्फ नरम करना है प्याज को। फिर भी मैंने पहले ही नमक इसमें ऐड कर लिया है, ताकि जल्दी से प्याज जो है हमारा थोड़ा सा नरम हो जाए और हम बाकी के इंग्रीडियंट डाल सकें। तो यहाँ पे हमारे प्याज जो है नरम हो चुके हैं थोड़े से, एक मिनट में ही। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर और मिर्ची। तो यहाँ पे टमाटर थोड़ा सा गल गया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं फेटे हुए जो हमने अंडे रखे थे, वो अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे। और हम जैसे हम भुर्जी बनाते हैं उस तरीके से अंडे को एकदम फटाफट से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल का इसका पीस होना चाहिए अंडे का। तरीके की भुर्जी हम लोग को बना के रेडी कर लेनी है। और ये बेटर रहेगा कि अगर आप चिंग्स का चिली विनेगर यूज़ करेंगे इसमें, तो बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें एक चम्मच के इतना हम लोग को विनेगर डाल देना है। अब ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। और नूडल्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नूडल शक्शुका बन के रेडी हो गया है। अब हमने इस पर जो है कोथमीर की गार्निशिंग कर ली है। जो है आप किसी के भी साथ खा सकते हो, ब्रेड के साथ, पाव के साथ, जो भी आप प्रीफर करो। पर यहाँ पे हमारे पास जो है पिज्ज़ा ब्रेड रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर इसको फिल करके आपको बताती हूँ। तो इसको हमको इस तरीके से कट कर लेना है मिडल से, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है नान हमारे बन इस तरीके से सारे नान कट हो चुके हैं, और अब हम इसमें मेयोनीज स्प्रेड कर देंगे और शेजवान चटनी, जो भी आपको सॉस पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हो उसमें। अब हम इसमें जो है हमारा शक्शुका की फिलिंग कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको फिल कर देना है पूरे ब्रेड के अंदर। यहाँ पे हमारे शक्शुका सैंडविच बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, या इस तरीके से बना के भी खा सकते हो। इसे सैंडविच मेकर में टोस्ट करके या तवे पे सेक कर भी खा सकते हो। और अपनी जो है फेवरेट चटनी के साथ आप इसे सर्व करिए। और ज़रूर बना के मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।